नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, एक होगा पोटेंशियल और दूसरा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल को समझने से पहले आप एक बात, एक कन्वेंशन ये याद हमेशा रखिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम लोग किधर लेते हैं, दैट इमर्जेस आउट फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर की ओर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, किससे, एक पॉजिटिव चार्ज से। और एक नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मतलब ये इनसाइड दी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसको मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर की ओर आ रही है इट मींस इट इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की ओर जा रही है मींस इट इज इमर्जिंग आउट, इट मींस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि एक हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज था, मान लेते हैं हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब कैसा भी चार्ज हो सकता है। तो इस टेस्ट चार्ज को, ये अभी टेस्ट चार्ज जो था ये इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा है, मतलब कितनी दूर रखा है हमको नहीं पता, तो ये किसी पॉइंट पे रखा है विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। अब इस वाले चार्ज को उठा के, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था, इस चार्ज को उठा के हमने क्या किया, कहीं यहां तक ले आए, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए। तो देखिए इस चीज में हमने किया क्या, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था विच वॉज केप्ट एट इन्फिनिटी, इसको यहां से उठाया या किसी भी तरीके से इसको यहां से प्लेस करके यहां से इसके पोजीशन चेंज करी और कहां पे इसको ले आए, हम लोग एक ऐसी पोजीशन पे ले आए विच इज अराउंड या विच इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, मतलब इसकी फील्ड के अंदर ले आए इस चार्ज को, ये समझना है। तो अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए विच इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ये जो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ उसी वर्क को क्या बोला जाता है, उसी वर्क को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, उसी को वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल तो नहीं बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमको ये समझना है कि वॉट इज पोटेंशियल, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट विच इज एट इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट विच इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको पता चला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क डन है, अगर सही से देखा जाए तो यह है क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितना वर्क हुआ और किस चार्ज को मूव करा रहे थे, तो 1 कूलम के चार्ज को मूव करा रहे थे या क्यू चार्ज को हम लोग मूव करा रहे थे। तो जिस चार्ज को मूव कराते हैं, जिस टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जो वर्क होता है यहां से यहां तक मूव कराने में उस चार्ज को, उसको क्या कहते हैं, उसको वर्क कहते हैं, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव दैट चार्ज, टू मूव दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल के साथ एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि डिफरेंस है तो दो पॉइंट की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, जैसे आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से करंट, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज फ्लो करती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, ये दो लिक्विड्स हैं, मतलब ये एक हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें लिक्विड भर दिया, कुछ इस तरीके से लिक्विड भर दिया, ठीक, एक में तो लिक्विड का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है और दूसरे में जो लिक्विड का लेवल है वो थोड़ा सा नीचे, और बीच में इस पे क्या कर दिया है, एक कॉर्क लगा दिया, इसको बंद कर दिया है, टोटी लगा दी है यहाँ पे हम लोग ने, ठीक है, एक कोई भी चीज लगा दी है जिससे अभी जो फ्लो है उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब क्या किया, जैसे ही इसको जैसे ही इस टैप को जैसे ही ओपन करेंगे हम लोग, इस नॉब को जैसे ही खोलेंगे, तो क्या होगा, जो भी वाटर, क्योंकि ये हाई लेवल पे है, अगर इसका आप देखेंगे इसका प्रेशर, इसका एच हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट कम है, और क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है तो इसके पास जो प्रेशर होगा इतने वाले पानी के पास वो ज्यादा होगा, और प्रेशर यहां ज्यादा होगा और यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस की वजह, देखिए दोनों जगह प्रेशर अलग अलग हो गया तो इसका मतलब एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जैसे ही हम लोग कॉर्क निकालेंगे, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है
पानी जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, और कब तक ये मूव करता रहेगा, जब तक दोनों का जो लेवल होगा वो सेम नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो एक वाटर का फ्लो था, ये तो हमने वाटर का फ्लो का एग्जांपल दिया आपको, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो। अब करंट का फ्लो क्या हो रहा है, वैसे आप समझ लीजिए व्हाट इज द फ्लो ऑफ करंट, किसकी वजह से करंट का फ्लो आया, मतलब जो करंट फ्लो हो रही है वो किन दो किस वजह से फ्लो हो रही है वो हमको समझना है। तो देखिए जैसे अभी हमने देखा था कि एक हाई पोटेंशियल था, एक हाई प्रेशर था, एक लो प्रेशर था, इसी तरीके से एक हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल होता है। तो जैसे मान लीजिए इसका पोटेंशियल अगर हम कहें 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल कहें हम 5 वोल्ट है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, जैसे मान लेते हैं ए और बी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू रखा हुआ है, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है और वो क्या है, वो क्यू है, और उस चार्ज को हमको क्या करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है। तो इसमें जितना काम करना पड़ेगा, देखिए पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था जब इंफिनिटी से एक ऐसे पॉइंट तक लेके आए विच वॉज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, दैट वर्क इज कॉल्ड वर्क डन, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हम लोग जो यहां बात कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज है उसको एक पॉइंट से मूव करा के दूसरे पॉइंट तक लेके गए, और ये सब जो ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये चीज होती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन प्रेजेंस of electric field is called potential difference. तो potential difference आपको पता चल रहा होगा कि यहां पे मान लीजिए potential था VA, इसको हम लोग ने मान लिया 10 volt का, यहां potential है VB, इसको मान लिया हम लोग ने 5 volt का, तो जो potential difference हो गया वो क्या हो गया VA minus VB, और वो क्या हो गया 10 minus 5, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा 5 volt। और अभी हमने देखा था जब प्रेशर डिफरेंस आया था, जिसका हाई प्रेशर था जिसका लो प्रेशर था, तो हाई से लो की तरफ वाटर मूव करना था, इसी तरीके से जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसकी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी मूव करना चल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है और किधर की ओर जाती है, जहां पे प्रेशर क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो यहां पे हमने देखा दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 5 वोल्ट आ गया। अच्छा, तो पहले ये बात कर लेते हैं कि ये वोल्ट क्या है, इस वोल्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए कि ये वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है। तो देखिए बहुत सिंपल है, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू था, तो W आपको पता है, W की यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जूल। Q की यूनिट क्या हो जाएगी, Q की यूनिट हो जाएगी कूलम। ठीक, W की यूनिट हो गई वर्क यूनिट हो गई जूल, और चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम हो गई। तो जो पोटेंशियल यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, जूल पर कूलम। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट बनती है वो क्या होती है, जूल पर कूलम होती है। और इसको एक और नाम दे दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है वोल्ट का। ठीक, तो वोल्ट भी इसकी एक क्या होती है, यूनिट होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि इस इलेक्ट्रिक वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, डिफाइन वन वोल्ट, वन वोल्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। तो वन वोल्ट क्या होता है, वन वोल्ट जब आप यहां पे वन करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अगर यहां वन वोल्ट कर दिया तो वन वर्क अपॉन वन चार्ज, मतलब वर्क कितने का हो, वन वर्क हो जाए वन जूल का, और चार्ज कितना हो, चार्ज हो जाए वन कूलम का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, उसको एक ऐसे पॉइंट तक लाना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, तो उस तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को क्या बोला जाएगा, वन वोल्ट। मतलब ये हुआ इफ वन जूल ऑफ वर्क, देखिए अगर वन जूल ऑफ वर्क, एक जूल का वर्क करना पड़ेगा इस वन कूलम चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए विच इज प्रेजेंट इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वन वोल्ट। तो इस चीज को आप सब समझना है कि वन वोल्ट क्या है, वन जूल पर कूलम, मींस वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड वन वोल्ट। तो हमारी ये वन वोल्ट की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं इस वन वोल्ट को, मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो कैसी होती है, उसका सिंबल क्या होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी जल्दी चर्चा कर ली जाए, और कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे एमीटर होता है, तो एमीटर अगर है तो एमीटर को हम लोग ने बताया था एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जैसे हमारे पास ये एमीटर है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो एमीटर जो होगा वो रेजिस्टर के साथ या बल्ब के साथ किसमें कनेक्ट हो रहा था, तो वो सीरीज में हो रहा था। सीरीज का मतलब होता है लाइन में, एक के बाद दूसरा जब लगता है
तो उसको क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है, जैसे एम मीटर का सिंबल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से किसका सिंबल हो जाएगा, वोल्ट मीटर का सिंबल हो जाएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में प्लस और माइनस है, इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रही है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। लेकिन आपको यह समझना है कि वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे होता है। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के पीछे जो रीजन है वो क्या है, मतलब जो जिस तरीके से कनेक्ट होता है, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब था, या हमारे पास मान लीजिए एक रेजिस्टर है, और इस बल्ब पे हमको निकालना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था। तो ए और बी, अब देखिए इस चीज को, यहां से ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, ये पहला रास्ता है कि आप बल्ब के थ्रू चले आए, और दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है कि आप इस वोल्ट मीटर के थ्रू चले आए। लेकिन पॉइंट जो है, जो दोनों पॉइंट है, वो तो पॉइंट ए और बी ही है ना। इसका मतलब यहां पर मान लेते हैं वी ए पोटेंशियल है, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो क्या था, वीए था, और यहां पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वीबी है। अब ये पोटेंशियल जनरेट कौन कर रहा होगा, ये पोटेंशियल आ रहा होगा इस बैटरी के ईएमएफ की वजह से। किसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब भी देखिए कहीं ना कहीं पोटेंशियल ही होता है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल एक ही चीज होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये बैटरी में होता है, और जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल किसमें आएगा, पोटेंशियल आएगा बल्ब में, या इसको हम लोग और आसान भाषा में क्या कहते हैं, रेजिस्टर में। इसको कहा जाता है रेजिस्टर। आगे हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो ओम्स लॉ में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रेजिस्टर। तो देखिए ए से बी तक इसने क्या किया, इसने पोटेंशियल क्रिएट किया। अब जो देखिए इसके पास में जो होगा, अब जैसे यहां पे देखा जाए इस बैटरी के पास में कौन सा पॉइंट है, पास में जो पॉइंट है वो ए है। अब कुछ ना कुछ लॉसेज हुए यहां पे, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी लॉस हुई, कुछ ना कुछ यहाँ पोटेंशियल लॉस हुआ होगा। अब उस लॉस की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे पोटेंशियल कम है। इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किसके किसके बीच में हुआ, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप देखेंगे ए और बी के बीच में क्रिएट हुआ। लेकिन ए और बी के बीच में तो दो चीजें प्रेजेंट है, क्या क्या, हमारे पास वोल्ट मीटर भी है और हमारे पास बल्ब भी है। मतलब ए से बी तक जाने के दो रास्ते हो गए, और दोनों रास्तों पे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या रहेगा, वी ए माइनस वी बी रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। इसीलिए अगर इस बल्ब पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ये वोल्ट मीटर शो करेगा। इस वोल्ट मीटर के अंदर बाकायदा एक प्रॉपर तरीका होता है, वोल्ट मीटर के अंदर एक रेजिस्टर लगता है और बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो वो हम लोग को क्लास 12th में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, कि स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग कैसे काम करती है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, उन सब चीजों पर हमको नहीं जाना। हम लोग को फिलहाल ये पढ़ना है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर कैसे लगा होता है सर्किट के साथ। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में लगा होता है। और आपको यह याद रखना है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के अक्रॉस, देखिए इसके साथ में नहीं लगाया, अगर आपने इस वोल्ट मीटर को कुछ ऐसे लगा दिया होता, मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टर होता, या मान लेते हैं बल्ब होता, इस बल्ब के साथ में अगर मान लीजिए आपने वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया होता, तो ये गलत तरीका होता। क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। हम लोग एम मीटर ऐसे लगा सकते हैं कि जो करंट इस पे गई वही करंट यहां पे गई। करंट हमेशा सीरीज में, याद रखिएगा, सेम रहती है। पोटेंशियल जो होता है वो सीरीज में क्या होता है, चेंज होता रहता है। मतलब वो आगे की बात करी जाएगी जो हम लोग रेजिस्टर पढ़ेंगे, तो हम आपको ये चीज बताएंगे। लेकिन आपको फिलहाल ये समझना है कि जो रेजिस्टर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टर, एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर। अब जल्दी से छोटी सी बात एक और कर लेते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मतलब अगर चार्ज 1 कूलम का है तो वी किसके बराबर का है, वी इज वर्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर पोटेंशियल होगा तो आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले आएंगे चार्ज को, तो जो वर्क किया गया उसको क्या कहा जाएगा,
उसको कहा जाएगा पोटेंशियल। लेकिन याद रखिएगा चार्ज कितने का होना चाहिए, चार्ज शुड बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज। मैं इसको लिख देता हूं, द चार्ज शुड बी यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद देखिए एक छोटी सी चीज आती है जो आपको प्रैक्टिकल में बताई जाती है। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जब आपको कोई वोल्ट मीटर दे देगा तो आपसे पूछेगा कि बताओ बेटा इस वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट देखिए पता करना बहुत आसान तरीका होता है। मैं आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना दिखाता हूं, पहले मैं आपको एक, चलिए एक बना देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा कुछ एमीटर है, कुछ एमीटर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। बीच में जब आप देखेंगे तो ए लिखा रहता है, यहाँ पे एक सुई होती है, यहाँ पे मान लेते हैं ए लिखा हुआ है। अब ए से पता चल जाएगा ये एमीटर है, अगर वी लिखा होता तो वी से क्या पता चल जाता है ये वोल्टमीटर है। यहाँ पे देखेंगे तो आप एक नीडल मिलेगी आपको, यहाँ पे कुछ आपको इसकी रीडिंग्स मिलेगी 0, 5, 10, 15 ऐसे ऐसे करके आपको यहां तक रीडिंग्स मिलेंगी। और इसके बीच में, इन दो रीडिंग्स के बीच में कई सारे डिविजन्स होंगे। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास इतने डिविजन्स थे। अब डिविजन्स में अलग दो चीजें होती हैं, एक तो बीच दो दो रीडिंग्स के बीच में छोटी छोटी डंडियां हैं। छोटी छोटी जो डंडियां हैं वो हैं क्या, 1, 2, 3, 4 चार डंडियां हैं। चार डंडी का मतलब होता है 5 रीडिंग्स, या इसको कह सकते हैं 5 डिविजन्स। इसको आप समझिए बहुत ध्यान से, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसके बीच में चार डंडी, 1, 2, 3, 4 चार डंडियां हो गई। इसका मतलब 5 डिविजन्स है। कैसे 5 डिविजन है, ये पहला डिविजन, ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा डिवीजन, ये चौथा डिवीजन और ये पांचवा डिवीजन। कितने डिवीजन हो गए, 5 डिवीजन हो गए। और यहां क्या लिखा था, यहां लिखा था 0, यहां क्या लिखा था 5 लिखा था। अब अगर ये 0 है तो 0 एम्पियर है, ये 5 है तो दिस इज 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर। क्यों एम्पियर है, क्योंकि ये किसकी यूनिट है, ये करंट यूनिट है और ये एमीटर है तो करंट ही तो मेजर करेगा। अब हमको बताना है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लीस्ट काउंट की। अब लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए, जो मिनिमम रीडिंग है जो हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, मतलब हमारे पास अगर ये वाला इंस्ट्रूमेंट है तो इस इंस्ट्रूमेंट से कम जो सबसे छोटी यूनिट हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। अब यहां पे जब आप देखेंगे लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा, इसको हायर रीडिंग बोल देते हैं, तो दिस इज हायर रीडिंग या मैक्सिमम रीडिंग या हायर रीडिंग ही बोलिए, माइनस लोअर रीडिंग। ये जो 0 है ये क्या है, हमारी लोअर रीडिंग है। अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो देखिए हायर रीडिंग क्या थी, हायर रीडिंग थी 5, लोअर रीडिंग क्या है, लोअर रीडिंग है 0, नंबर ऑफ डिविजन्स क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स भी है 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1, 5 माइनस 0, 5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो इस इंस्ट्रूमेंट की, ये इस पूरे इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, लीस्ट काउंट इज 1 वोल्ट। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। चलिए जल्दी से मैं एक और क्वेश्चन आपको लीस्ट काउंट का करके दिखा देता हूं कि कैसे लीस्ट काउंट का क्वेश्चन किया जाता है। और अगले टर्न पे हम लोग करंट की, एक करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की एक छोटी सी मतलब ये कह सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक या क्विज रखेंगे, तो उसको पहले किया जाएगा, फिर आगे हम लोग ओम्स लॉ पे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए जय बेसिक्स है आपका, अगर बेसिक्स क्लियर होगा तभी आगे की चीज क्लियर हो पाएगी। तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर में सबसे पहले आप यहां ये देखेंगे एक V बना होगा, यहां मान लेते हैं 0 लिखा हुआ है, यहां मान लेते हैं 10 लिखा हुआ है, यहां मान लेते हैं 20 लिखा है और यहां मान लेते हैं 30 लिखा है और यहां मान लेते हैं क्या लिखा है, दिस इज 40 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होगा क्योंकि किसको मेजर करेगा, ये पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो यहां पे हमारे पास नीडल है और नीडल जो है वो कुछ ऐसे होगी मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमको ये नहीं बताना कि कैसे मेजर किया जाएगा, वो अलग चीज है। हमको ये बताना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है। अभी कोई चीज कनेक्टेड नहीं होगी तो ये अप्रोक्सीमेटली कहां पे होगा, 0 पे होगा अगर इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। ये 1 होगा, 2, 3। ठीक, अब ये देखिए हमारे पास कितने सारे यहां पे कॉलम्स आ गए। तो यहां पे आपको ये समझना है सबसे पहले कितने डिविजन्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सात डिविजन्स। आपको ये भी है कि आप लाइंस भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स लाइंस है। सिक्स लाइंस का मतलब क्या हो गया, 7 डिविजन्स। तो कितने डिविजन्स हो गए इसमें, 7 डिविजन्स हो गए। अब आपको बताना है इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, तो लीस्ट काउंट निकालने बहुत आसान तरीका है। कैसे, आपको पूरी ये नहीं देखनी है, पूरा आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं देखना, आपको सिर्फ पहली आपको रो देखनी है, मतलब पहला आपको ये देखना है फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखना है पहले वाले का। तो 10 ये हो जाएगी फाइनल रीडिंग, 0 ये हो जाएगी शॉर्टर रीडिंग या लोअर रीडिंग,
अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स क्या है 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 10/7 वोल्ट। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जो जिसको लीस्ट काउंट कहेंगे, और ये मिनिमम वैल्यू है जिसको मेजर किया जा सकता है इस पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आज की कहानी समाप्त होती है। तो ये जो टॉपिक था इसको कहा जाता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अगले टर्न पे हम लोग मिलेंगे, तो पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद हम लोग किस चीज की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ की बात करेंगे और फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करी जाएगी। तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।